from Nepal. So from the beautiful state Nepal, and we are expecting a beautiful story like your state. Yeah, is Prakash Ankyo. We are going to read a story written in Nepali. Hi, Apus. Sorry, ma'am. I am not from Nepal. I am from Darjeeling, one of the integral part of India. So इसीलिए बहुत दुख होता है, इसीलिए हमें आइडेंटिटी चाहिए, इसीलिए हम गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं विद इन द सॉवरेनिटी ऑफ दिस नेशन. नेपाल भारतीय अकादमी में नेपाल का साहित्यकार का कोई स्थान नहीं हो सकता है. मैं इस यहाँ हूँ, इसलिए दैट्स वाई आई एम इंडियन. मैं दार्जिलिंगबाट आएको हूँ. दार्जिलिङ एउटा रमाइलो, ये मुझे कहीं नहीं पढ़ रहा है अभी. आप लोगों को दार्जिलिङ एउटा यस्तो जग्गा हो जो बङ्गालको अन्दरमा छ, एन्ड वी आर स्ट्रगलिङ टु मेक आवर सेल्फ फ्री फ्रम बङ्गाल. त सुन्नुहोस्, सुनिए, मेरा एक कहानी है. कहानीका शीर्षक है रैफा. रैफा मेरा गाउँ में बिहार से एक मुस्लिम फैमिली आए हैं, वही बिजनेस करते हैं. तो बहुत दिनों से मैं उन लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ. मेरे घर के बगल में है, तो उसी के बारे में ये कथा है. तो सुनिए कथा रईफा. रईफा फिर पेट से है, रईफा फिर पेट से है. लगभग 21-22 रही होगी उम्र उसकी, बिल्कुल दुबली पति जैसे कि पीली तीली. चिट्टी गालों में हड्डियों का उभरना उसके कुरूपता पर सार ग्रहण और लगा रहे थे. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुंह मांगा दहेज नहीं मिलता तो अतिकुर इस्लाम भी उससे शादी नहीं करता. रईफा ने पहली बेटी को जन्म दिया था. बेटी क्या हुआ कि उसके लिए जीना दुभर हो गया. घर में खुशी के बदले मातम का माहौल था. ऐसा लगता था जैसे बेटी पैदा नहीं हुई है बल्कि कोई मर गया है. मातम के उस माहौल में पैदा हुई रेशमा को अब्बू का प्यार और दादा दादी का गोद कहाँ से नसीब होता. शुकर कांटा माँ रईफा ने के गोद में वह खेली. सूखे हुए स्तनों में से दूध पिया. माँ के ही आंचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया. रेशमा रोती ही रहती थी, एक दिन की बात है जो मुझे अभी तक याद है. लगातार बारिश हो रही थी. बारिश से पूरी भीग चुकी रईफा गोद में रेशमा को लिए बर्तन माँज रही थी. अतिकुर ने रो रही रेशमा को अपने हाथों में लिया और दूर खड़े अपने अब्बू से कहा, लो पकड़ो. अब्बू भी बच्ची को संभालने के लिए तैयार हो गया. अतिकुर ने बच्ची को ऐसा लगा अब फेंका तब फेंका. अब्बू ने बोला, फेंक फेंकना. मैंने अपने अंदर एक सिहरन सी महसूस की. खैर, उसने अपनी बच्ची को नहीं फेंका. प्रसव का समय नजदीक आ रहा था. दिन बीतते जा रहे थे और उस घर के वातावरण में रहस्य, संतरास, बेचैनी और उत्सुकता घुलते और घुमरते जा रहे थे. कोई भी रईफा से हंसकर नहीं बोलता था. अतिकुर, उसके अब्बू, अम्मी और बहन कानाखुशी किया करते. रईफा चुप रहती, बिल्कुल गुमसुम. कभी कभार रोती हुई रेशमा, कभी कभार रोती हुई रईफा फोन पर बतियाती नजर आ रही
आ जाती थी। पता नहीं वो मैथिली बोलती थी या भोजपुरी, मैं अंदाजा लगाया करता था शायद मायके से किसी को उसे लिवाने के लिए बुला रही हो। घर में कोई भी उससे बात नहीं करते थे। जब शोहर खुद उससे बात नहीं करता था, प्यार के दो बोल नहीं बोलता था, तो दूसरों से ये उम्मीद रखना भी बेकार था रईफा के लिए। उसके लिए तो हर वक्त रोती रईफा और खुद रईफा वे दोनों ही थे। सास के लिए रईफा फूटी आँख न सुहाती। उन दिनों में भी रईफा को छोड़ सभी लोग ऊपर बैठकर खाना खा रहे होते थे। सास का परोसा खाना रईफा जमीन पर बैठकर खा रहे होते थे। औरत ही औरत का दुश्मन होता है ऐसा बहुत बार सुना था मैंने, लेकिन देख पहली बार रहा था और यकीन भी हो रहा था। रईफा को अब संतरास की नज़रों से घूरते रईफा को अब सब संतरास की नज़रों से घूरते मानो रईफा के पेट में बम हो और वह बम फटा तो सबको ले उड़ेगा और वह बम लड़की के रूप में भ्रूण भी हो सकता है। कुछ दिनों की बात है, एक दिन रईफा का ससुर मुझे बाजार में मिला। उसके हाथ में ब्रॉयलर मुर्गा लटक रहा था। मैंने दिल्लगी के लहजे में पूछा, अख्तरू आज पार्टी करने का प्लान है क्या? नहीं सर, वो मेरा पोता हुआ है ना, तो बहू के लिए ले जा रहा था, उसने बहुत खुश होते हुए कहा। ओह तो ऐसी बात है, तुम लोगों की मुराद पूरी हो गई, अगर फिर से बच्ची हुई होती तो? मैंने पूछा। उसके दिन अच्छे थे वरना, अनचाहे न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गए। बेटा नहीं हुआ होता तो मार देते क्या बहू को? मैंने उसके आंखों में झांकते हुए पूछा। ऐसी बात नहीं है सर, वो मैं कुछ और ही बोल रहा था, उसने बात को टालते हुए कहा। बात को वापस उसी जगह ले जाते हुए मैंने कहा, ब्रॉयलर चिकन से क्या होगा, उसे तो मटन खिलाओ बीफ खिलाओ, घर में है कि नहीं? वह भी ले आया सर, उसने हरे रंग की एक थैली की ओर इशारा करते हुए कहा। अब तो रईफा के दिन बदल गए, उसे प्यार मिलने लगा, दुलार मिलने लगा, सास ससुर और शोहर आसपास रहने लगे। सबसे बड़ी बात, उसे अच्छी खाना मिलने लगा। बेचारी रईफा पहले पेट भर खाना नहीं मिलने से बीमार रहती थी, अब बार बार खाने से बीमार रहती है। एक लड़की और एक लड़की के बाद अतिकुर को अब और बच्चा नहीं चाहिए होगा, ऐसा सबका सोचना था, लेकिन हम सब गलत निकले। एक साल भी नहीं हुआ था कि रईफा फिर से माँ बनने वाली है। रईफा फिर से सुकर काटा हो रही थी, पहले से भी ज्यादा पतली और दुबलाई हुई, आंखें ऐसी धंसी हुई जैसे किसी खड्डे से बाहर झांक रही हो। क्या रईफा फिर माँ बन रही हो? दुकान में सामान खरीदने आती औरतें पूछते। क्या करें दीदी, वो मानते ही नहीं। जब भी उनका मन करे हमें तैयार रहना पड़ता है। तुम तो बीमार हो, ऐसे में कैसे बच्चा जनोगी? बच्चे करते करते ये हाल हो चुका है तुम्हारा, औरतें कहती। कमजोर हो चुकी हूँ दीदी, बस किसी तरह से बच्चा पैदा करती हूँ, पर बच्चे की मुंह देखकर सब दुख भूल जाती हूँ। तो कह देना अतिगुर से कि अब माँ नहीं बनना है, उसके लिए तुम्हारी भी इच्छा होना चाहिए। वो कहाँ मानेंगे, आमिर सुलेमान सद्दाम तौफिक सबका सब पांच पांच छः छः बच्चे हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो फिर बिना बताया दवा खा लिया करो, एक बार माला भी खाई थी, जाने कैसे उन्हें भनक लग गई, काफ़ी मार पड़ी। मेरा जिस्म उनका है, जब जो जी में आए करना, जितना मर्जी हो उतना बच्चे पैदा करना उनका हक है, ऐसा वो कहते हैं। डरते डरते इधर उधर झाँकते हुए रस रईफा ने कहा।
रैफा का गर्वा सही अधिकार अतिकुर का रैफा का योनी अधिकार अतिकुर का रैफा का मन अधिकार अतिकुर का रैफा का शरीर अधिकार अतिकुर का अपने सौहर के दिल बहलाने के अंगों को ढोते ढोते कितनी कमजोर हो चुके हैं बेचारे रैफा। सौहर कहकर जाता है बेटा चाहिए, सास ससुर का कहना है पोता चाहिए। रैफा सोचती है पेट में लड़का है ये लड़की, ये जानने की शक्ति क्यों नहीं मिली औरत को, ऊपर वाले ने इस ज्ञान से हमें क्यों वंचित किया। इस बार पहले के मुकाबले और कठिन हो सकता है रैफा के लिए। 22 बरस की उम्र में तीसरा बच्चा पैदा कर रही रैफा को रैफा फिर से अपनी अब्बू अम्मी को देख भी पाएगी या नहीं, मायके के आंगन में फिर एक बार अपनी पैर रख पाएगी भी नहीं, गांव के लोग चिंता कर रहे हैं क्योंकि गांव के स्वास्थ्य केंद्र से क्योंकि गांव के स्वास्थ्य केंद्र की असमर्थता जाहिर करने के बाद उसे ले जाया जा रहा है किसी बड़े अस्पताल। गाड़ी में बैठ चुका अतिकुर को नीचे बुलाकर उसकी अम्मी को कहते हुए किसी ने सुना, मर जाए तो मर जाए लेकिन पोता ही लेके आना, पोता ही लेके आना। So, thank you. It's a feminist story, and your story reminds me about the famous maxim of the feminist critics: our bodies belong to us. You convey this message. Thanks for the compassionate understanding of the women's problem. Thank you. So now our story reading session has almost come to an end. Now it is my part. Okay? I will talk to you.